मेरठ की बात करते हैं, जहां गंगानगर में पॉश इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने कथित प्रेमिका के घर पर घुसकर हमला कर दिया। आशिक ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। आशिक द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में दो बहनों को गोलियों से भुना, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल है। घायल हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी युवक ने मृतिका के माता पिता पर भी हमला किया है। देखिए, मामला पुलिस को संज्ञान में आया। ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस को संज्ञान में आया, जिसमें लड़का लड़की के ऊपर गलत नज़र रखता था, लड़का लड़की को चाहता था, इस तरह की बात पुलिस को पता लगी है। और कुछ इस तरह की बात पता लगी कि लड़का लड़की के घर में गया, उसने वेपन का इस्तेमाल किया, पिस्टल का इस्तेमाल किया, पिस्टल लड़की पर फायर करी, उसकी बहन पर भी फायर करी। घर में एक और आला कत्ल बरामद हुआ है पुलिस को, एक कुकरी, एक बड़ा चाकू टाइप का पुलिस को बरामद हुआ है, तो उसका भी प्रहार उसने लड़की के ऊपर किया है। लड़की की मृत्यु कारित हो गई है। बॉडी फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवा दी है। जो दूसरी लड़की है वो अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और वो आईसीयू में है। लड़की के परिजनों से पुलिस की वार्ता हो गई है और पुलिस इसमें समस्त कार्रवाई करवा रही है। फिलहाल जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली गई है। हाँ, जो गिरफ्तार युवक है वो पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है। सब इंस्पेक्टर क्या है, कांस्टेबल, पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल का बेटा है। पुलिस को अभी ये बात संज्ञान में आई है, पुलिस में आगे कार्रवाई कर रही है। देखिए, लड़की की शादी 18 अप्रैल को तय की गई थी। इसी बात को लेकर लड़का शुभ था और एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला था, इसलिए उसने एक कदम उठाया। थैंक यू सर। थैंक यू।